दिल्ली नगर निगम के लिए चुनाव प्रचार का शोर थम गया है। अब उम्मीदवार सिर्फ डोर टू डोर ही कैंपेन कर सकेंगे। वोट की खातिर हर राजनीतिक दल ने, हर उम्मीदवार ने जमकर पसीना बहाया, रैलियां की, जनसभाएं की, नुक्कड़ सभाएं की, जनसंवाद किया, पद यात्रा भी की है, एक एक वार्ड में कई कई फेरे लिए हैं। कहीं से भी ऐसा लगा ही नहीं कि ये चुनाव शहर की सरकार बनाने का चुनाव है। दरअसल दिल्ली नगर निगम का ये चुनाव साख का चुनाव बना हुआ है, साख बीजेपी की। बीजेपी ने कद्दावर नेताओं की साख, केंद्र के काम की साख, साख केंद्रीय मंत्रियों की। बीजेपी जहां निगम में चौका मारने के लिए केंद्रीय फौज के साथ उतरी, तो वहीं आम आदमी पार्टी पूरी तरह से दिल्ली पर काबिज होने की जुगत में जुटी हुई है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और अगर दिल्ली नगर निगम में भी आम आदमी पार्टी आ जाती है तो दिल्ली पर पूरी तरह से आम आदमी पार्टी का राज हो जाएगा। चुनाव में कांग्रेस ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, नारा शीला दीक्षित की चमकती दिल्ली। लड़ाई केवल जमीन पर ही नहीं, सोशल मीडिया पर भी लड़ी गई, ट्विटर वॉर हुआ, एक से बढ़कर एक ग्राफिक्स प्लेट्स बनाकर एक दूसरे को घेरा गया। कूड़ा, नालियां, लेंटर, माफिया, भ्रष्टाचार, पार्किंग टैक्स, सीवर, पानी, महंगाई, जहां जुग्गी वही मकान, मतलब चुनाव प्रचार में हर तरह के मुद्दे गूंजे। लिहाजा आज की बहस में जानने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली नगर निगम चुनाव में ताबड़तोड़ हुए प्रचार, अब किसकी बन रही है सरकार। दिल्ली के अंदर हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और एक बार जनता ने 70 में से 67 सीट दी थी और वो रिकॉर्ड टूटना चाहिए, मुझे लगता है 230 के ऊपर आना चाहिए। दिल्ली सरकार में हमें, अब नगर निगम में भी हमारी सरकार आ रही है, तो बस अब आप चिंता मत करना, दिल्ली के सारे काम मैं कराऊंगा, सारे काम कराऊंगा, दिल्ली को चमकाऊंगा, भ्रष्टाचार खत्म करूंगा, पैसे की कोई कमी नहीं है नगर निगम में, पैसा बहुत है। चार तारीख का दिन होगा, कमल के चुनाव चिन्ह होगा और भारतीय जनता पार्टी पिछले बार के सीटों से अधिक सीट जीतने जा रही है। जनता ने आपका काम देख लिया है, अधिकांश सीटों पर आप तीसरे नंबर पर जा रहे हैं, दूसरे पे तो कांग्रेस आती दिख रही है, बहुत जगह तो ये होने वाला है। तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने छोड़ दीजिए, यथार्थ पे आइए और बताइए जनता को कि आपने पिछले 8 साल में क्या दिल्ली में क्या, आपका डिब्बा गोल है और भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत से 7 तारीख को अपनी सरकार बनाने जा रही। बुलडोजर तंत्र मुक्त निगम हम बनाएंगे, जाति और धर्म देख करके बुलडोजर इस दिल्ली में नहीं चलने देंगे, ये हमने कहा है। इससे और कई नागरिक सुविधाओं से युक्त पार्क, ये मैं कहता हूँ, आवारा कुत्ते और बंदरों से निजात, लेंटर माफिया मुक्त निगम, जो पार्किंग पे कब्जा करके बैठा है उस पार्किंग को हम पार्किंग माफिया मुक्त बनाएंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। शीला दीक्षित घरेलू मजदूर कल्याण योजना, ये हम शुरू करेंगे एमसीडी में कांग्रेस पार्टी का जब मेयर बनेगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। शहरी गरीबों की सुरक्षा वाली दिल्ली, मेरी चमकती दिल्ली की कल्पना हम कर रहे हैं।